तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम आराम से एक चड्डी में बैठे हो और जेल जैसे कटोरे में दाल चावल खा रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन एकदम से तुम्हारे घर पे 10 रिश्तेदार आ जाते हैं। अब जरा सोचो उस चड्डी पे दाल चावल खाते हुए बच्चे पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें वहाँ से भागने तक का मौका नहीं दिया जाएगा भाई, पूरा दिमाग सुन्न पड़ जाता है इतने सारे रिश्तेदारों के सामने। ए छोटू, अपने मालिक को बुलाना तो जरा। मम्मा। अच्छा, ये इनका बेटा है? जी। दोस्तों को खेलने के लिए बुलाने जाते हो पर उनके माँ बाप तुम्हें भगा देते हैं। अंकल रोहन खेलेगा क्या? नहीं, उसको कल रात में निमोनिया है, पता नहीं कोई सी बीमारी हो गई थी, मर चुका है वो, जाओ यहाँ से। बस यही थी तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियाँ। कभी कभार तुम्हारी हड्डी टूटती है और कभी कभार तुम मर जाते हो। छुट्टियों के बाद तुम वापस स्कूल जाते हो, तुम्हारे टीचर तुमसे पूछता है कि तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी रही। मैं तो नानी के यहाँ गई थी, मैंने वहाँ मिठाई खाई और छोटे कुत्ते पाले, और उधर पीछे मैं बैठा हुआ हूँ हाथ में फ्रैक्चर और सूजी हुई आँख लेके बिल्कुल गीले लाचार जानवर की तरह। वेल, मैंने मेरी गर्मियों की छुट्टी में खुद पे कार चढ़वाई, 1000 मधुमक्खियों से कटवाया और मेरे 3 दोस्त मर गए बारिश का पानी पीने से।